बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बिलासपुर इकाई ने चाइनीज सामान की होली जलाई। शी जिनपिंग का पुतला घुमारवीं के गांधी चौक पर जलाया गया। ये कार्यक्रम बजरंग दल प्रांत संयोजक अधिवक्ता तुषार डोगरा की अगुवाई में संपन्न हुआ। घुमारवीं के दुकानदारों को चाइनीज सामान को बेचने से होने वाले नुकसान व स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पुतला जलाने से पूरे बाजार में बजरंग दल द्वारा पत्रक वितरण भी किया गया तथा साथ में भारत के जो जवान शहीद हुए उनके लिए मौन रखकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर दिनेश पंडित, बिमला अग्रेस, विजय पाल शर्मा, अश्विनी कपिल, नीरज, लकी शर्मा, प्रवीण धीमान, कमल महाजन, अनिल शर्मा, संजीव ढिल्लो, गोपाल राणा, साहिल ठाकुर, लखवीर चंदेल, लकी चंदेल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ता तुषार डोगरा ने घुमारवीं चौक पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। स्वदेशी अपनाने के लिए आज सभी लोगों को प्रेरित करने का कारण ये है कि हम सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत चाइनीज सामान का प्रयोग करते हैं, चाहे वे हमारे बाथरूम में हो या रसोई घर में हो। हम भारत के नागरिक उन लोगों की आर्थिक मजबूती कर रहे हैं जो भारत के जवानों को बॉर्डर पर मार रहे हैं। वे हमारी जमीन को अपना बनाने के लिए अग्रसर हैं। इससे भारत का पैसा उनके देश के काम आ रहा है। वे उसी पैसे का प्रयोग करते हुए भारत माता के टुकड़े करने पर उतारू हैं। भारत की सरकार WTO के कानून के तहत उनसे पूर्णतः व्यापार बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनका आर्थिक बहिष्कार करें, अपने स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें ताकि भारत का पैसा भारत में रहे और भारत की उन्नति व तरक्की में लगे। हमें बड़ी चीजों से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए हमें यदि टूथपेस्ट खरीदना है तो हम पतंजलि डाबर भारत में निर्मित उत्पादों का खरीद। हमें यदि नहाने का साबुन खरीदना है तो हम गोदरेज No.1 का खरीदें। रसोई घर में चाय की पत्ती खरीदनी है तो टाटा की खरीदें। उन्होंने आगे कहा कि जब बड़ी वस्तु बदलने का हम विचार करें, जैसे मोबाइल फोन, गाड़ी, टीवी, एयर कंडीशन, तो हम आने वाले समय में अपने देश के निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दें। शुरुआत छोटी चीज से लेकर बड़ी वस्तु तक पहुँचने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना सा करने से हम भारत के विकास में अपना अतुलनीय योगदान देंगे। अपने राष्ट्रभक्ति व देशभक्ति को साबित करने का सबसे बड़ा और अच्छा मार्ग हम सभी के पास है। हमने दुकानदार वर्ग से अपील की है कि आप भारत में बनी वस्तुओं को मंगवाएं व ग्राहकों को वे वस्तुएं बेचें। ऐसा मात्र करने से हम भारत के उन शहीद जवानों को असली श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बिलासपुर इकाई ने चाइनीज सामान के बहिष्कार करने हेतु चाइना सरकार का शी जिनपिंग का पुतला दहन किया है, और इस पुतला दहन करने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने पत्रक बांटा है, संपूर्ण व्यापारी वर्ग से निवेदन किया है और अपना आह्वान किया है कि चाइनीज सामान को खरीदने के लिए आप भी लोगों को प्रेरित न करें, न उनका सम्मान, न वो सामान मंगाएं, न उन्हें बेचने का कष्ट करें, क्योंकि भारत आज एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है, स्वदेशी की तरफ जा रहा है। हम बहुत बड़े सामान का प्रतिरोध तुरंत नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन हम छोटे सामान से उपयोग कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत सामान हमारा ऐसा है जो चाइनीज से प्रोडक्ट से बना हुआ है। हमारे देश के जवान आज बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम स्वदेशी का प्रयोग करके अपने पैसे को भारत में रखें, क्योंकि भारत का ये जो पैसा विदेश में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भारत माता के सपूतों का दहन हो रहा है, उनका दानव दलन वो लोग कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उस सबके हम लोग भी दोषी हैं। ये हम सभी देशद्रोह की भावना से ओतप्रोत ना होते हुए हम सभी लोग स्वदेशी का इस्तेमाल करने का प्रेरित करें। कुछ उदाहरण आपके समक्ष देना चाहूंगा। कुछ लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं हम LED नहीं तोड़ सकते, फोन नहीं तोड़ सकते। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या हम लोग यदि सुबह टूथपेस्ट करते हैं तो क्या विदेशी लेना जरूरी है? हम लोग डाबर का टूथपेस्ट ले सकते हैं, हम लोग पतंजलि का टूथपेस्ट ले सकते हैं, हम रसोई के अंदर प्रयोग करने वाले चाय पत्ती का प्रयोग करते हैं, चाय पत्ती हम टाटा की प्रयोग कर सकते हैं, स्वदेशी प्रयोग कर सकते हैं। हमें बाइक खरीदनी है, हम बजाज की बाइक ले सकते हैं, हमें फोन खरीदना, हम सैमसंग का फोन ले सकते हैं, हम LED खरीदना चाहते हैं, सैमसंग की LED खरीदते हैं। हम कम से कम अपने मन में प्रण ले कि सुबह से लेकर शाम तक यदि मैं कोई सामान खरीदूंगा तो स्वदेशी खरीदूंगा।
उससे एक फायदा है कि जब यहाँ से जो भी पैसा हमारे देश का कोई व्यापारी भाई कमाएगा वो अपने देश के सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के काम ले आए। और इससे ज्यादा मैं यही आह्वान करूंगा कि जो व्यापारी वर्ग है वे भी एक पोस्टर लिख के लगाएं, से नो टू चाइनीज फूड, से नो टू चाइनीज फूड। हमने मुहिम की है, हम ये अग्रसर कर रहे हैं लोगों को कि चाइनीज सामान का विरोध करें और अपने स्वदेशी भारत के द्वारा पैदा किया गया सामान, निर्मित किया गया सामान, उसमें रोजगार की भावना भी पैदा होगी। भारत का युवा एक समृद्ध युवा और सशक्त युवा के नाते खड़ा होगा। इस नाते आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया।